नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशा। सोच अगर अच्छी हो और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की सेवा भाव हो तो सब किया जा सकता है। इन दिनों कांकेर शहर के राजा पारा वार्ड के पार्षद आनंद चौरसिया चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां महाशिवरात्रि पावन अवसर पर राजा पारा वार्ड के पार्षद ने बताया कि उन्होंने सीमित संसाधन के साथ अपनी टीम तैयार कर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ दिलाने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें वार्डवासियों को घर बैठे कोई भी फॉर्म हो या कोई भी समस्या हो कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए समस्या से अवगत कराने पर उनकी टीम का कोई भी सदस्य घर पहुंच सेवा सदन को तत्पर खड़े रहते हैं। किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म भरने के लिए वार्डवासियों को ऑफिस का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कार्य के लिए वार्डवासियों को किसी प्रकार की राशि देने की भी जरूरत नहीं है। सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राजापारा के पार्षद ने अपने दैनिक वेतन एकत्रित कर वार्ड किसी भी नवजात बालक बालिका के जन्म होने पर 5001 रूपए की सौगात के रूप में देने की पहल की है। वहीं राजापारा वार्ड के पार्षद आनंद चौरसिया ने बताया कि एक परिवार में अगर एक बच्चे का जन्म हो या चार बच्चों का, सभी बच्चे पात्र होंगे, सभी को 5001 रूपए सहज सम्मान दिया जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सरोज जितेंद्र सिंह ठाकुर ने राजापारा वार्ड के पार्षद आनंद चौरसिया के कार्य की प्रशंसा करते हुए बाकी पार्षदों को भी इसी तरह के जनहित कार्य करने के लिए प्रेरित किया, ताकि कांकेर शहर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये सौगात हमारी टीम ने और हमने मिलकर पूरे 2 साल लगभग मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को, इस घोषणा को तैयार करने में, जिसमें हमारा पूरे टीम लगभग 18 लोगों का टीम है, जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं, इस घोषणा पत्र को तैयार करने में। और इस घोषणा पत्र में ये है कि सारा काम घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए हो जाएगा। केवल आपको काम को लिख कर भेजना है व्हाट्सएप में, हमारे तरफ से रिप्लाई आएगा, अभय यादव आएगा आपके घर में, 6 बजे हाजिर हो जाएगा। ये हमने संकल्प लिया है। जिस तरीके से 5001 रुपए की अगर बात की जा रही है बालक बालिकाओं को देना पैदा होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये 5001 रुपए की जो सौगात राशि देने वाले हूँ बालक बालिका के जन्म पर या राधा कृष्ण के जन्म पर मेरे वार्ड में, ये सौगात की राशि मैं अपने पार्षद मानदेय, जिसको बोलते हैं पार्षद का वेतन 2500 रुपये मिलता है, उसी वेतन को मैं एकत्रित करके सभी मेरे वार्डवासियों के जो बालक बालिका राधा कृष्ण जन्म लेंगे उनको सौगात देने वाला हूँ। क्या इसकी जो इस वार्ड में अभी 2 साल में जितने भी नवजात अभी शिशु जन्म दिए हैं, उनको कब, किस समय, कहाँ, कैसे आप उनको देंगे 5000? जी, अच्छा सवाल किया है। ये जैसे ही हमने शपथ ग्रहण लिया है उसी कार्यकाल से हमारा चालू हो गया है। हमारे वार्ड में लगभग अभी मितानिन और आंगनबाड़ी सहायिका के द्वारा माध्यम से पता चला है कि 12 से 13 लोग जन्म ले चुके हैं राधा कृष्ण हमारे वार्ड में। बड़ा उत्साह की बात है राधा कृष्ण के लिए। और उसी सौगात को मैं कालिका महोत्सव जब आएगा सभी को एक साथ एकत्रित करके वहीं देने वाला हूँ। कालिका महोत्सव यानी कि नवरात्र का पर्व कहा जाता है, राजा पारा धूमधाम से मनाया जाता है, उस समय आप क्या, किस तरीके से 5000 का जो वो देंगे? ये कालिका महोत्सव जिस समय होगा उस समय हम सभी को सम्मानित करते हैं, बुजुर्गों को होता है या पढ़े लिखे होते हैं, उसी समय उनको सम्मानित किया जाएगा स्टेज के माध्यम से। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप एक नज़र से, समाज की नज़र से इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखें। एक समाज में हर वर्ग का आदमी होता है, अमीर आदमी, गरीब आदमी, है ना, नौकरी पेशा या रोज दिहाड़ी कमाने वाला दुकानदार आदमी। अगर कोई भी काम हो सरकारी दफ्तर से रिलेटेड, उसको अपना कम से कम एक हफ्ता नुकसान करना पड़ता है। नौकरी पेशा आदमी चल जाता है क्योंकि उसको वेतन मिलना तय है ना। लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर जो रोजी कमाता हो या दुकान में काम करने वाला हो, है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपना एक हफ्ता देना, है ना। कोई भी काम सरकार यानी सरकारी दफ्तर से संबंधित कोई भी काम करवाओ, एक हफ्ता से पहले होता नहीं है। हमारे पार्षद ने यह सौगात दिए हैं कि आपको सिर्फ मोबाइल से मैसेज के द्वारा हमको सूचित करना है कि हमको ये काम कराना है ना। हमारी टीम से कोई भी सदस्य जाएगा उनके घर, पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा और वो लेके सरकारी दफ्तर से उनका काम करा कर पुनः उनको वापस काम करवा कर अब उनके हाथ में देगा। अगर ज़रूरी हुआ उनका हस्ताक्षर या उनको वहाँ उपस्थित करना हुआ तभी उनको लेके जाया जाएगा, अदरवाइज उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इसके लिए क्या कुछ चार्ज वगैरह कुछ ले जाएगा? नहीं नहीं, ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इवन हमारा जो उनके फॉर्म में फ़ोटो भी लगना है वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा, फॉर्म का पैसा भी हम ही देंगे, फोटो कापी यानी जो भी खर्चा होगा वो पूरा हमारी टीम या पार्षद महोदय ही देंगे।
और जो 5001 रुपए जो सौगात देने की बात है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी पहल थी। पार्षद महोदय अपने घोषणा पत्र में वादा किए थे कि जो भी नवजात शिशु जन्म लेगा वार्ड में उनके कार्यकाल में उनको 5000 का एक भविष्य निधि कहा जा सकता है, इसे भविष्य निधि दिया जाएगा। अच्छा, किस प्रकार से आप जो है पार्षद हैं, इतनी बड़ी सौगात दी, किस प्रकार से आभार व्यक्त करना चाहते हैं? मैं बहुत आभारी हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी जब पहले मेरे को एक अपना EVS सर्टिफिकेट बनाना था, EVS सर्टिफिकेट बनाना था मेरे भांजे का, मैं उसके लिए लगभग एक महीने तक घूमा था सरकारी, वो बना नहीं था। लेकिन उस समय हमारे पूर्व पार्षद पप्पू चौरसिया जी थे तो उनके माध्यम से वो एक हफ्ते के अंदर बना था, एक महीना मैं चक्कर काटने के बाद एक हफ्ते में बना था। तो ये सब काम आनंद चौरसिया जी अपने, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे राजापारा वार्डवासी के लिए बहुत बड़ा सौगात दिए हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व में वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और कोई पार्षद ऐसे नहीं किया है, वैसे हमारे मोहल्ले के पार्षद श्री आनंद चौरसिया ने किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज घोषणा पत्र का विमोचन किया, क्या जानकारी? आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है हमारे आनंद चौरसिया पार्षद जी के द्वारा वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं चाहूँगी कि सभी वार्डवासी को ये सुविधा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से काम हो रहा राजा पारा में, पूरे शहर में चर्चा का एक विषय बना, इसके बारे में? इसके बारे में ये है कि सभी वार्डों में काम हो रहा है, लेकिन जैसे कि हमारे अभी भाई नरेश बिछिया जी ने बताया कि सीमित साधन है और लोगों की मांग बहुत है। हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि सभी वार्ड में हम सबको अच्छे से अपना इंतजाम दे सकें, लेकिन कई जगह दिक्कत होती है, थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है। निरंतर राजापारा में जो है सुविधाएं को लेकर, जैसे CCTV की बात की जाए या फिर अब हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए, और 5001 रुपये की जो देने की जो सौगात दी है राजापारा वार्ड में, किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत उनका बड़प्पन है और एक सराहनीय काम है क्योंकि बालक बालिका दोनों के लिए वो 5001 की राशि रखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है ये।